कार्रवाई आपके द्वारा होगी। अभी जो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है मैडम के द्वारा जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति के द्वारा इनको कुछ पैसे देकर और अलग कर दिया गया और फिर तलाक का नोटिस दे दिया। प्रार्थना पत्र दिया गया, हम इसकी काउंसिलिंग कराएंगे, महिला हेल्पलाइन को इसका ये प्रार्थना पत्र हम अग्रेसित कर रहे हैं, दोनों पक्षों को नोटिस जाएंगे, दोनों को सुना जाएगा, उसके बाद फिर जो लीगल कार्रवाई होगी इसका प्रश्न से खराब कर। सर मेरी 2017 को 11 दिसंबर के दिन मेरी शादी हुई थी। शादी के उपरांत 6 महीने बाद हम दोनों पति पत्नी में थोड़ा घरेलू आपसी विवाद हो गया था, जिसके कुछ समय तक मैं अपने मायके में रही। उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी। सन 2020 में भी हमारा घरेलू वो हुआ था, तो हम महिला आयोग की उपाध्यक्ष अमृता लोनी जी के पास गए थे, जिन्होंने हम दोनों का समझौता इस बेस पर कराया था कि मेरा जो अपने पति से संबंध था वो लिविंग रिलेशनशिप का था। जबकि मेरी 2017 में शादी हुई थी, उस समय मुझे इस चीज़ का सर पता नहीं था, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा इस चीज़ का, उसके कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए। फिर हमारा ऐसे ही थोड़ी बेटे को लेके घर में झगड़ा होता था जी। उसके बाद हम फिर दोबारा, मतलब मैं नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे अमृता लोनी जी के पास, जिन्होंने हमारा इस बेस पर तलाक करवा दिया 2020 में 16 जनवरी हुई है 1 जनवरी को, कि हम दोनों अलग रह ले और एक दूसरे को तलाक दे दे, साथ में नहीं रह सकते थे। 13,000 रुपये में वहाँ तलाक करवाया, जिसके उपरांत से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं वैसी बेरोजगार हूँ, स्टाम्प पेपर पर तलाक करवाया था और मुझसे बोला गया कि ये तलाक तुम्हारा मान्य है, इससे पहले 6 महीने तक ना तू अपने हस्बैंड से कोई कार्रवाई कर सकती, ना तेरे हस्बैंड कार्रवाई। और मैं, मतलब मेरी इतनी परेशानी कि मैं अपने बेटे को जैसे तैसे पाल दी हूँ, और मेरे को 4th महीने में ही कोर्ट से नोटिस आ गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक के लिए नोटिस भेजा कोर्ट से, जिसके बाद मैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष अमृता लोनी जी से मैंने बात भी की कि जब मेरा तलाक हो गया है तो उसके बाद मुझे ये नोटिस क्यों आया कोर्ट के, तो उन्होंने मुझे ये कह के टाल दिया कि कोई नहीं, हम बात करेंगे और तू तारीख में मत जाना कोर्ट के। और मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते रहे कि तू तारीख और मेरा आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। मैं इसी वजह से बहुत परेशान होकर आज थाने में आई हूँ।